दोस्तों बिहार के सीएम नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनने को लेकर कितनी जल्दी है वो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि जब उन्होंने शपथ ग्रहण के बाद प्रधानमंत्री मोदी को लेकर निशाना साधा कि 2024 में हम रहे या न रहे लेकिन 2014 वाले नहीं रहेंगे। वही नीतीश कुमार पहले प्रधानमंत्री के बारे में कहते थे कि उनका मुकाबला करने के लिए कोई नहीं है और आज वही नीतीश कुमार विपक्ष को मजबूत करने की बात करते हैं और विपक्ष के लिए अभियान चलाने की बात कर रहे हैं। अब दोस्तों नीतीश कुमार के इसी प्रधानमंत्री वाले ख्याल पर भाजपा की ओर से जोरदार पलटवार किया गया है। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और बीजेपी विधानमंडल के नेता तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनने के लिए मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। पलटू राम को जनता पहचान चुकी है, जंगलराज को जनता कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। 24 घंटे के अंदर बिहार में जंगलराज कायम हो गया, जिस जंगलराज को छोड़कर नीतीश ने बीजेपी का दामन थामा था उसी जंगलराज में वापस घुस गए। नीतीश कुमार दोस्तों सुविधा की राजनीति करते हैं। जो जेडीयू अपने बूते मुख्यमंत्री नहीं बना सकती थी वह प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रही है। तारकिशोर प्रसाद ने गुरुवार को मीडिया से बातचीत में नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि नीतीश ने जनादेश का अपमान किया है, इसके खिलाफ हम सड़कों पर उतरेंगे। दोस्तों डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने यह भी कहा कि जब जब नीतीश कुमार के मन में प्रधानमंत्री बनने का ख्याल आता है तब तब वे इस तरह की बातें करते हैं। उनकी प्रधानमंत्री बनने की बौखलाहट उन्हें समय समय पर जनादेश के प्रति विश्वासघात करने का मौका देती है। तभी तो नीतीश कुमार पाला जरूर चेंज करते हैं लेकिन सत्ता अपने हाथ में रखते हैं, मुख्यमंत्री पद वो खुद रखते हैं। उन्होंने कहा ये लोग आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी ने जेडीयू के खिलाफ उम्मीदवार खड़े किए, सरासर झूठ है। सच यह है कि जेडीयू ने बीजेपी उम्मीदवारों के खिलाफ अपने कैंडिडेट खड़े किए थे। अपनी महत्वाकांक्षा के लिए उन्होंने जैसे आत्मसमर्पण किया भविष्य में जनता इनके साथ पलटी मारेगी। क्या कहना है आपका इस खबर पर जरूर बताइएगा, साथ ही वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।